चलो गाइस आई एम पाई बैक। तो आज हम बात करेंगे हेल्स पैराडाइज के एपिसोड 7 फ्लावर्स एंड ऑफरिंग के बारे में। तो लेट्स बिगिन। तो लास्ट एपिसोड में आजा ब्रदर्स दो लड़कियों को किस करते हुए देखते हैं। तो तोमर तो उनसे इंचार्ट हो गया था, पर चिबोई एज यूजुअल उनसे फाइट का प्लान कर रहा था। और जब वो लड़कियां नोटिस करती हैं तो उनमें से एक तो बहुत गुस्सा हो जाती है, पर दूसरी उनके बारे में क्यूरियस थी, एज वो वहाँ पे ह्यूमंस को रेयरली ही देखती थी। तो इससे एक बात क्लियर हो जाती है कि वो दोनों ह्यूमंस नहीं थी। और तभी उनमें से एक अपने आप को फीमेल से मेल में कन्वर्ट कर देती है। और वहीं पे गाबीमार और बाकी सब एक विलेज को देखते हैं और एक लड़की उन्हें स्टॉक कर रही थी। बट जब गाबीमार उसे नोटिस करता है तो वहाँ से भाग जाती है और गाबीमार उसे फॉलो करके पकड़ने वाला था। बट तभी एक रूट टाइप का मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है और ये चांस देख के लड़की वापस भाग जाती है। और गाबीमार डिसाइड करता है उस लड़की को ही फॉलो करने का, एज उन्हें आयरलैंड के बारे में बहुत कुछ बता सकती हैं और बस वही उनकी एक लीड थी। और वो ट्री क्रिएचर को बाकी लोगों के भरोसे छोड़ के वहाँ से चले जाता है, पर सागरी भी उसे फॉलो करती हैं। तो बस सेंट्री यूजुरिया ही उसे फेस करने वाली थी और यूजुरिया सेंट्री चश्मा उतार देती हैं ताकि उसके निंजित्सु को फिगर आउट ना कर सके। और इसके बाद वो कुछ लिक्विड पीती है जिसकी वजह से उसकी बॉडी से कुछ स्वेट लाइक चीज़ें निकलना स्टार्ट हो जाती हैं। और वो प्लान कर रही थी अपने जिस्सु को उस क्रिएचर के अगेंस्ट यूज़ करने का। और वहीं पे गाबीमार उस लड़की को रोकने वाला था, बट उल्टा उसे ही टेक डाउन कर लेती है, जिस पे वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज था, एज वो लड़की बहुत ज़्यादा छोटी थी। पर फिर भी उसने गाबीमार को पटक दिया था, पर सागरी कहने पे वो लड़की रुक जाती है। लेकिन वो सागरी को पंच मारने वाली थी, बट गाबीमार फिर से सागरी को बचा लेता और ये पंच बहुत ज़्यादा पावरफुल था कि गाबीमार भी इसे बड़ी मुश्किल से रोक पाता है। और अब गाबीमार आइलैंड से फाइड अप हो गया था, एज वहाँ पे सभी चीज़ें ही बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी और साथ में डेस्परेट था एलेक्सा को ढूंढ के वापस जाने के लिए ताकि अपनी वाइफ से फिर से मिल सके। और उस लड़की को कुछ पेलों से बांध लेता है, पर इस पर वो लड़की रोना शुरू कर देती है, जिस पर गाबीमार कन्फ्यूज हो जाता है और सागरी कहने पे वो उसे फ्री कर देता है। और सागरी उसे अब शांत कर रही थी और तभी वहाँ पे यूजुरिया आती है जिसने क्रिएचर को ऑलरेडी डिफीट कर दिया था। और अब वो सब प्लान कर रही थी उस लड़की से एलेक्स के बारे में पूछने का, बट तभी वो ट्री क्रिएचर से क्या था लड़की को वापस देने के लिए, जिस पे सभी सरप्राइज थे एज वो उनसे बातें कर रहा था। और वो उन्हें क्या था कि उन सबको अपने विलेज ले जाएगा और वहाँ पे ही एलेक्सा के बारे में उन्हें सब कुछ बता देगा। लेकिन यूजुरिया इस चीज़ के बिल्कुल अगेंस्ट थी, पर जब वो बताता है कि उसके घर पे बाथरूम था तो तुरंत मान जाती है। और भले ही गाबीमार उस पे ट्रस्ट नहीं कर रहा था, पर उसी एलेक्सा के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए थी तो भी इसके लिए मान जाता है। और जब विलेज पहुंचते हैं वहाँ पे कोई भी नहीं था और वो उन्हें बताता है कि हज़ार साल पहले चीज़ें ऐसी नहीं थी। तो एक बात क्लियर थी कि वो ट्री क्रिएचर हज़ार साल से ज़िंदा था। और इसके बाद वो उन्हें अपने घर पर ले जाता है। तो गाबीमार उससे कुछ क्वेश्चन पूछने का ट्राई करता है, बट यूजुरिया सबसे पहले बात लेना चाहती थी। तो इसके बाद यूजुरिया और सागरी साथ में बात लेते हैं और फाइनली बहुत टाइम के बाद में वो रिलैक्स कर पाए थे। और ये छोटी लड़की थी उनके चेंजिंग क्लोथ लाते हैं और अब तो उन्हें पता लग गया था कि वो बातें नहीं कर सकती। और वहीं पे बाहर जो ट्री क्रिएचर था वो सेंट और गाबीमार के लिए पानर फ्रूट्स लाता, बट वो लोग
उन्हें नहीं खा रही थी और गाय और से पूछता है उससे क्या रिश्ता था उस लड़की के साथ में, बट इसके बारे में बताने से वो बिल्कुल मना कर देता है। और गाबी मारू को भी लेक्चर के अलावा किस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं था तो भी इस चीज़ पे ज़्यादा जोर नहीं डालता। और अब गाबी मारू उससे लेक्चर के बारे में पूछता बट वहाँ पे फिर से यूजुरी आ जाती है और वो और सांता मिलके खाना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन सागर गाबी मारू कुछ भी नहीं खा रही थी जिस पे वो बताता कि उसमें कुछ भी पॉइजन नहीं था। और इसके बाद ट्री क्रिएचर उन्हें इन्फॉर्मेशन देना स्टार्ट कर देते हैं और उन्हें बताते हैं जिस जगह को वो शैन सेंक्यू कह रही थी वो उसे कोताकू कहते हैं जहाँ पे गॉड्स रहते हैं। और वो कन्फर्म कर देते हैं कि लेक्चर ऑफ लाइफ वहाँ पे एग्जिस्ट करता है बट लोग उसे तान कहते हैं जो एक लिक्विड फॉर्म में था और इटरनल लाइफ को दे सकता है। और उन्हें बताता कि आइलैंड तीन रीजन में डिवाइडेड था, तो जहाँ पे शोर फॉरेस्ट थे वो ईशो रीजन था और जिस विलेज में वो अभी थे वो हुजो रीजन था, और जहाँ पे टान यानी कि एलिक्सर था वो होराई रीजन था और आइलैंड के बिल्कुल सेंटर में था और वहाँ पे मिस्ट हमेशा रहती थी। और अब गाबी मारू को एक होप मिल गई थी अपनी वाइफ के पास में वापस जाने का, बट उसे अभी भी एक कंक्रीट प्रूफ चाहिए था। और इस पे वो ट्रिक से बताता है कि वो बहुत ही जल्दी टेंसन से मिलेगा और तभी उसे विश्वास हो जाएगा। एस टेंसन इमॉर्टल बींग थे जो कहीं भी नहीं मरते और ना ही वो एज करते हैं, तो परफेक्ट बींग्स थे और जिनसे आर्बिटर मिली थी वही टेंसन थे जो उन्हें अभी ओवरपावर कर रही थी। और वहीं पे ट्री क्रिएचर कंटिन्यू करता कि जिनसे उन्हें अभी तक फाइट की थी वो सोशिन थे जो स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन टेंसन एक अलग ही लेवल पे है, तो अंडमन लाल के पावरफुल थे और उन्हें इतना कुछ बता रहा था। एस उसके अकॉर्डिंग प्रॉबली ये उनकी लास्ट रिक्वेस्ट होगी, एस टेंसन किसी को भी वापस चाहे नहीं थी और जो भी आइलैंड पे आता इवेंचुअली वहीं पे ही मर जाता और टेंसन वहाँ की सबसे इम्पोर्टेंट या फिर सुप्रीम बींग थे जो सोशन को कंट्रोल करते हैं। जितने भी गिल्टीज थे उन्हें पुनिश करने के लिए स्पेशली जो आइलैंड पे आते हैं, लेकिन जिन्हें पुनिश किया चाहता वो सिंपली मरते नहीं हैं बल्कि रिबॉर्न होते हैं फ्लावर्स के रूप में और उन्हें एटर्नल ब्लिस मिल जाता है। और जो लोग फ्लावर्स में ट्रांसफॉर्म होते हैं वही तान का सोर्स बनते हैं, मतलब एलिक्सर उनसे ही मिलते हैं। और जो ट्री क्रिएचर था उसे टान के ब्लेसिंग को ही रिसीव किया था जिसकी वजह से वो हजार साल से जिंदा था। और अपना नाम होको बताता और जो लड़की थी उसका नाम मेहता और वो दोनों आइलैंड पे ही बॉर्न और रेस हुई थी और वो वहाँ सेंचुरी से रह रही थी। और उन्हें क्या था कि उन दोनों को पीसफुली जीने थे और दूसरी ओर जो एज अ ब्रदर्स थे उन्हें टेंशन बुरी तरह पीट के गड्ढे फेंक देते हैं और उस गड्ढे में बहुत से ह्यूमन बॉडीज थी जो फ्लावर्स में ट्रांसफॉर्म हो गई थी और चिबोई भी ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है। और तोमा उसे ट्राई कर रहा था किस तरह बचाने का और वहीं पे गाबी मारू बात लेने जा रहा था तब अपनी वॉन्ट्स को ट्रीट कर सके और सागरी उसे फॉलो कर रही थी और दो सोच रही थी क्या होदो की बात पे ट्रस्ट कर सकते हैं। लेकिन जब गाबी मारू बाथरूम में जाता तो मैं वहाँ पे ऑलरेडी बात ले रही थी और गाबी मारू को देख के पुराना स्टार्ट कर देती है, लेकिन गाबी मारू इससे बिल्कुल इम्प्रेस नहीं था एज उसके एज में सभी सेम बात शेयर करती थी और बस चीफ के पास ही सेपरेट बात था। और वहीं पे साइन नोटिस करती हैं कि मे के शरीर पे बहुत सारे मार्क्स थे और उसे बात प्रोडक्ट पे यूज़ कर नहीं आती थी, तो समझ जाती हैं किसने भी मे को उन्हें यूज़ कर नहीं सिखाया था, तो डिसाइड करती है उसे खुद ही न लाने का। और गैमर को भी कहती हैं रेस्ट करने को, तो मे को ला रही थी और इससे मे भी बहुत ज़्यादा खुश थी और वो दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज आ गई थी। और उन्हें देख के गाबी मारू को भी अपनी वाइफ का एक फ्लैशबैक आता है, एज उसकी वाइफ उसे हमेशा कहती थी कि जब भी टाइम मिले रेस्ट करने को, एज अगर ऐसा नहीं करेगा
तो जो लाइफ की बैटल थी वो उसमें थक जाएगा। एज रेस्ट पॉज एज रीता एक ऑनेस्ट लाइफ के लिए और कभी मारू को न ला रही थी ताकि बात लेते हुए एटलीस्ट वो रेस्ट कर सकें। और उसकी वाइफ अपने वाक्स को बर्फ से छुपाती है जिस पे गाय मारू कहता है उसे करने की जरूरत नहीं थी। एजो मास के साथ भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी और ये सुनकर उसकी वाइफ बहुत ज़्यादा इमोशनल थी बट साथ ही मैम बहुत ज़्यादा खुश भी थी। और प्रेजेंट टाइम में गाबी मारू मी को भी कहता है कि उसे अपने स्कार से एम्बैरस नहीं होना चाहिए। एज एक वुमन को जानता जिसके फेस पे स्कार थे बट उसने आज तक भी उससे आप ब्यूटीफुल कुछ भी नहीं देखा था। और सुनिए सागरी भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज थी एज काबी मारू इतनी रिस्पेक्टफुल बातें कर रहा था और अब मैं भी उससे डरना बंद कर दी थी। और साई को लग रहा था कि गाबी मारू बिल्कुल बुरा नहीं था और अब वो चेंज होना स्टार्ट हो गया था। बट वहीं पे गाबी मारू को क्लियर हो गया था कि उसे क्या चीज़ प्रायोरिटाइज करनी चाहिए और ना ही वो ज़्यादा टाइम वेस्ट कर सकता है। और यहीं पे एपिसोड भी एंड हो जाता है। तो आज का वर्ड काफ़ी सही था एज हम दो नए करेक्टर हुको और मी को देखते हैं जो गाबी मारू बाकी सबको बहुत सी इन्फॉर्मेशन बताते हैं बस इसलिए एज उनको लग रहा था ये उनकी लास्ट रिक्वेस्ट थी। और साथ ही हम टेंशन को देखते हैं और ये पता चलता है कि वो कितने पावरफुल थे एज वो आजा ब्रदर्स को बड़े आराम से हरा लेते हैं और उन्हें एक कट्टी में फेंक लेते हैं। तो अभी तक तो वो जिंदा है तो हम नेक्स्ट में देखेंगे कि जिंदा रह पाते या फिर नहीं। और साथ ही हमें पता चलता है कि जो एलिक्सर था वो उन्हीं फ्लावर से निकलता है जिसमें लोग ट्रांसफॉर्म हो रही थी। तो एलिक्सर से ह्यूमन से निकल रहा था और साथ में गाबी मारू था उससे मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी एज गाबी मारू बच्चों को बिल्कुल नहीं समझ पाता। बट साथ में पता चलता कि गाबी मारू किसी को भी उनके अपीरेंस से जज नहीं करता और इसी वजह से वो अपनी वाइफ और मैं को कंसोल कर पाया था। तो आज के लिए तो इतना ही है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट में, तब के लिए बस नरा करो खुद को उड़ने लगा मैं आसमान में।